আলাদা ভালোই লাগে, বেশি করেই লাগবে। आपका विको केंद्रीय विद्यालय आनंदपुर में स्वागत है। कलर बढ़े पीछे मुड़ेगा, पीछे मुड़।
है पढ़ना लिखना क्या जाने हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं पढ़ना लिखना क्या जाने पापा कहते हैं हमसे तुम डॉक्टर बनो तुम डॉक्टर बनो पापा कहते हैं हमसे तुम डॉक्टर बनो हम इंजेक्शन से डरते हैं डॉक्टर बनना क्या जाने हम इंजेक्शन से डरते हैं डॉक्टर बनना क्या जाने हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं पढ़ना लिखना क्या जाने हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं पढ़ना लिखना क्या जाने मम्मी कहती है हमसे तुम पायलट बनो मम्मी कहती है हमसे तुम पायलट बनो हम साइकिल चलाना नहीं जानते प्लेन उड़ाना क्या जाने हम साइकिल चलाना नहीं जानते प्लेन उड़ाना क्या जाने हम थैंक यू रूपमधिकं प्रच्छत्र गुप्तं घनं विद्या भोगकारी यसः सुखकारी विद्या गुरुणां गुरुः विद्या बंधुजन विदेशगमने विद्या परं दैवतं विद्या राजसु पूज्यते नाहु धनं विद्या विहीनः पशुः सन्माननीय प्राचार्य महोदयः निरीक्षकः विद्यालयस्य शिक्षकः मम सहपाठिनश्च सर्वेभ्यो नमस्कारः अहं सिनस्निग्धा जिना दशमी कक्षायाः छात्रा अस्मि इदानीम् अस्माकं विद्यालये शिक्षादिवसमिति परिपाल्यते अस्मिन् अवसरे अहं राष्ट्रीय शिक्षानीति इति विषये आङ्ग्लभाषायाः वदामि As you all know, the new education policy has been announced by the central government on 29 July 2020. After 34 years, such an education policy has came, which will truly change the direction of education in India. This education policy has the potential to give Indian education system a global identity. It aims to fulfill the goal of India's Sustainable Development Agenda 2030, under which everyone will be provided with equal and quality education, which will provide lifelong employment opportunities. The new education policy will promote self-sufficiency by removing unemployment, which will lead the country to move on the path of development. The National Education Policy 2020 is directed towards major reform in school education. It envisions an India-centered education system that contributes directly to transform the country. Holistic development and a wide choice of subject and courses year to year will be the new distinguishing feature of the secondary education. The best feature of this education policy is that after its implementation, students will be given vocational training from class 6 onwards, which will promote employment education and build a knowledge-based society. NEP is aiming to raise the overall quality of education offered by most of the institutions. In this way, it would not be wrong to say that if the new education policy is implemented properly, then it will be proved to be an ideal education policy. At last, I want to say that शिक्षा प्राप्त करने वाला हर मानव शिक्षित होकर समाज को शक्तिशाली बनाता है और अज्ञानता के अंधकार को मिटाता है धन्यवाद मंगलमय हो तो ते दिवस Thank you.
नन्ही मुन्नी बालिकाएं अभी अरे तुम
गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, 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 joy, spirit soaring high, we dance with grace, a symphony in the sky. Fathomed in society's covert flow, skills dismissed, dreams with feathers cut low. Oh no, mere puppets we are in the scripted undertow. Tales, no decree to be our own soldiers, cut the hunter's net free. A beacon of strength, together we ignite our light, our journey inspires, making it bright. Our voice roar. गुड मॉर्निंग। अच्छा बच्चों, आपके स्कूल में जब यहाँ एंट्री किए हमने, तो यहाँ पे जो वेलकम हुआ हमारी टीम का, और साथ में जो यहाँ पे असेंबली में
प्रस्तुति की सांस्कृतिक कार्यक्रम जो प्रस्तुत हुए वो बहुत ही उत्तीर्ण थे, बहुत ही अच्छे थे, तो उन सब के लिए क्लैपिंग। तो बच्चों ये सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हुए हैं उत्तीर्ण तो हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी उत्तीर्णता और इसमें उत्कृष्टता आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी होनी चाहिए, तो इसी की देखरेख में आज हम यहाँ प्रस्तुत हुए हैं। बच्चों आजकल हम शिक्षा सप्ताह मना रहे हैं और शिक्षा सप्ताह मनाने का कारण क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो 4 साल पहले आई थी उसका 4 साल का वर्षगांठ है, उसको मनाने के लिए हम शिक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। शिक्षा सप्ताह मनाने का जो उद्देश्य है कि आपको शिक्षा से जुड़े जो उद्देश्य हैं वो पता लगे। अभी एक बच्ची ने आज NEP 2020 के बारे में बताया कि सभी बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, आप स्कूल में आते हैं शिक्षा मिलनी चाहिए, शिक्षा का क्या मतलब है, शिक्षा का मतलब है कि आपका जो होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब है आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के साथ साथ फिजिकल मेंटल और सोशल डेवलपमेंट हो, तभी आप एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट तो आपका कहाँ से आएगा, आप जो स्टडी करते हैं यहाँ आके सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हाँ उससे आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आएगा, नॉलेज आएगी, इससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, इनोवेशंस आपके दिमाग में आएंगे, नॉलेज बढ़ेगा। उसके बाद आता है आपका फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट आएगा कैसे आएगा, आपकी फिजिकल फिटनेस से, आप खेलों में पार्टिसिपेट करते हैं, आपका टीम वर्क रहता है, वहां डिसिप्लिन रहता है, तो वहां से फिजिकल डेवलपमेंट आएगा। नेक्स्ट इज द इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट आपको इमोशन के बारे में समझना पड़ेगा, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, इसमें सेल्फ डिसिप्लिन की बात होती है इमोशनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज द सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट ये आपके अपने लिए, अभी तो जो डेवलपमेंट की बात कर रहे थे वो अपने लिए है, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल और इमोशनल, लेकिन सोशल डेवलपमेंट में आप सोसाइटी में कैसे रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं, वो सोशल डेवलपमेंट पे आता है। आप अपने पड़ोसी के साथ, अपने दोस्तों के साथ, आप अपने क्लास के फ्रेंड के साथ कैसे बात करते हैं, क्लासमेट के साथ कैसे बात करते हैं, कैसे बिहेवियर करते हैं, वो सोशल डेवलपमेंट में आता है। इसमें आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, कोलैबोरेशन और एक टीम वर्क और साथ में लीडरशिप, आपको काम इनिशिएट करने हैं। तो आज के जो पैनल इंस्पेक्शन में हम ये सारी चीज़ों को परखेंगे, देखेंगे कि आप उसमें कितना उत्तीर्ण हो रहे हैं, कहाँ किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपका डेवलपमेंट जो होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, और होना चाहिए ना आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट कि नहीं, हाँ, तो यही चीज़ें हम परखेंगे आज, और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप होलिस्टिक डेवलपमेंट जब कंप्लीट होगा तो आप एक गुड सिटीजन, एक देश के लिए बहुत अच्छी एक असेट बनेंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, धन्यवाद।
बच्चे आगे साइड से।